दोस्तों ये डाक बंगला चौराहे का सीन है, देख सकते हैं कितना सुंदर ये भव्य पंडाल बनाया गया है, कितने खूबसूरत तरीके से इसे सजाए गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ है और काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग हो चुकी है आज से, देख सकते हैं यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं और यहाँ पे सारे वीडियो रिकॉर्डिंग किए जा रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं, देख सकते हैं कितने खूबसूरत पंडाल हैं और कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे आसपास सजाए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं परी की सीन यहाँ पे डाली गई है और काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग है यहाँ पे। वैसे हर साल यहाँ पे सबसे टॉप बनते हैं यानी पंडाल बनाए जाते हैं, तो देख सकते हैं इस बार का पंडाल किस तरीके का है, कितने खूबसूरत पंडाल है डाक बंगला चौराहे का, पटना डाक बंगला चौराहा। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत यहाँ पे तरीके से सजाए गए हैं आसपास। आज गाड़ियों से परिचालन शुरू है और यहाँ पे लोग आज गाड़ियों से घूमेंगे, लेकिन कल से गैदरिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज माँ की मूर्ति जो है खुली है तो लोग पहले दर्शन के लिए आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से सजाए गए हैं आसपास, जो है देखिए ब्रांडिंग की गई है काफ़ी अलग अलग कंपनीज के द्वारा और आसपास जो है खूबसूरत तरीके से सजाए गए हैं। तो ये खूबसूरत नज़ारे हैं डाक बंगला चौराहे के, जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कंपनीज की ब्रांडिंग की है और अच्छे तरीके से सजाए गए हैं बेहतर तरीके से। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आपको देखना है तो आकर देख सकते हैं और यहाँ के नज़ारे, खूबसूरत नज़ारों के दर्शन कर सकते हैं, खूबसूरत पंडाल के दर्शन कर सकते हैं। आज भीड़ कम है लेकिन नौवीं दसवीं आठवीं नौवीं सप्तमी का दिन है, तो सप्तमी के दिन पंडाल खुले हैं, आठवीं और नौवीं को भीड़ ज़्यादा रहते हैं। तो देख सकते हैं कितने अलग अलग तरीके से यहाँ पे स्टैचू बनाए गए हैं, जो खूबसूरत तरीके से गेट भी देखिए सजाए गए हैं, कितनी खूबसूरत दिख रही है यहाँ पे। तो पटना में हर साल इसी तरीके से मनाए जाते हैं, दुर्गा पूजा का पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, काफ़ी खूबसूरत तरीके से मनाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पे, काफ़ी मात्रा में लोग भीड़ भाड़ की संख्या में आते हैं और यहाँ पे इंजॉय करते हैं। साल में एक बार यहाँ पे इस तरीके से पंडालों के दर्शन किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आइए, घूमिए और देखिए, माँ के दर्शन कीजिए और पंडालों के दर्शन कीजिए और अलग अलग पंडाल के दृश्य हम आपको दिखाएंगे आने वाले वीडियोस में। तो ये वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबा लें ताकि हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।